So, hi guys, welcome back to the channel guys and you watching this creation and I am Dipanshu Deep. So, let's start this vlog. तो आज का vlog based है हमारी दोनों स्कूटी के ऊपर, जिसके ऊपर आपने अभी तक देखी modifications. ये है मेरी Jupiter 2015 model. आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इसको modify कर रखा है. इसकी videos आपको मेरे channel पे और भी मिल जाएगी, काफी सारी modifications इसमें मैंने की हुई है. तो उसका जो link है वो मैं I button में बिल्कुल डाल दूंगा आपको, easily बिल्कुल आपको videos मिल जाएगी. और आप मेरे चैनल पर जाकर के भी इसके ऊपर काफी सारी वीडियो देख सकते हैं. और ये है सुजुकी एक्सेस 2019 मॉडल. इसके ऊपर भी मैंने कुछ रैपिंग वगैरह करी थी क्योंकि इसको रिस्टोर करना था, इस पर काफी ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह लग गए थे. तो मैंने कुछ चेंजेस करने के लिए इसके ऊपर ये काम करवाया था. तो अब क्या होने वाला है इस चैनल पे, तो अभी मैं इन दोनों ही व्हीकल्स के ऊपर अपनी कुछ और चीजें करवाने वाला हूँ क्योंकि आप देख सकते हो काफी जगह से डैमेज हो चुकी है. अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ से इसमें डैमेज हो चुका है और क्या क्या चीज इसमें चेंज होने वाली है. सबसे पहले तो दोनों की रैपिंग ही चेंज होनी है और भी कुछ चीजें ऐसी है जो मेरे को अब इसमें भी चेंज करवानी है और इसमें भी चेंज करवानी है. तो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो इसी के चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, वीडियो कर दिया लाइक और कमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से क्या क्या चीज चेंज होने वाली है और क्या क्या इसमें चेंजेस हो चुके हैं अभी तक, मतलब टूट चुकी है या फिर जो भी प्रॉब्लम हो चुकी है और क्या क्या चेंजेस मैंने इसमें करवा दिए थे. तो मेन आपको अगर जो वीडियो चाहिए और आपको जो भी चीज इसमें लगी है वो चीजें चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर सारी वीडियो मिल ही जाएगी इसके ऊपर और इसके ऊपर. तो इसे करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट. तो भाई जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों स्कूटी के ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन होने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर किस तरीके के डैमेज हो चुके हैं अभी तक और क्या क्या चीज़ मैं इसको चेंज कराने के बारे में सोच रहा हूँ. तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो इसकी रैपिंग काफ़ी जगह से डैमेज हो चुकी है. ये देखो यहाँ से रैप डैमेज हो चुका है और ये रैप डैमेज है और यहाँ से देखो कितनी जगह से रैप डैमेज हो चुका है यहाँ पे. और यहाँ पे देखो हम मेरा YouTube का लोगो होता था तो चैनल का नाम आप देख सकते हो दीप क्रिएशन. तो दीप क्रिएशन को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है यार और क्या करना है. तो आपको देख सकते हो यहाँ पे भी देखो कितनी जगह से, मतलब ऑलमोस्ट सारी जगह से डैमेज हो चुकी है. बट इससे क्या हुआ बेनिफिट कि देखो इससे बेनिफिट ये रहा कि मेरी कोई मतलब स्क्रैचेस नहीं लगे स्कूटी के ऊपर. जहाँ से भी डैमेज हुआ है मेरे के स्क्रैचेस लग सकते थे अगर वहाँ पे से अगर काफ़ी जगह चोट लगती तो. तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो यहाँ से ये मेरे से स्कूटी गिर गई थी. तो देखो ये वाला पार्ट पूरा टूट चुका है तो मैं इसको चेंज करवाने वाला हूँ. ये वाला पार्ट चेंज होगा इसका और देखो ये चीज़ पता नहीं लग रहा पर ये देखो इसकी लाइट डैमेज हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से. क्योंकि स्कूटी जब गिरी थी तो ये देखो यहाँ से भी डैमेज है तो फ्रंट की साइड गिर गई थी और यहाँ से इसका सारा इम्पैक्ट जो आया था वो राइट साइड में आया था. तो राइट साइड से ये भी टूट गई प्लास्टिक यहाँ का पार्ट और आप देख सकते हो यहाँ के पार्ट बिल्कुल ठीक है. तो यही सब चीज़ें इसमें चेंज होने वाली है. और अभी मैं आपको दिखाता हूँ देखो इसके ऊपर डॉग्स वगैरह जो होते हैं उन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ से पूरी की पूरी डॉग्स ने पंजे मार मार के सीट कवर भी ख़राब कर ही दिया है ऑलमोस्ट. तो अभी आप देख सकते हो मैंने ये वाले मिरर्स लगा रखे हैं इसके अंदर. सो फर्स्ट चीज़ इसके अंदर होने वाली है, सबसे पहले इसके डैमेज ठीक करवाएंगे, जैसे लाइट हो गई और ये पार्ट हो गया प्लास्टिक का. और सेकंड चीज़ इसमें रैपिंग चेंज होने वाली है. थर्ड इसका सीट कवर चेंज होने वाला है और कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे यहाँ से पेंट उतर रहा है तो ये मैं पेंट कराने वाला हूँ. तो आप इसकी लुक अभी देख सकते हो, अगर आप दूर से देखोगे ना मतलब अलग ही अल्टीमेट लुक आती थी इसकी पहले भी और अभी भी. तो अभी आप देख सकते हो कि किस तरीके की इसकी लुक है ऑल ओवर. अगर मैं सारी तरफ से आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके की लगती है ये. तो अब आ जाते हैं हम अपनी सुजुकी एक्सेस पे. एक्सेस 2019 मॉडल है ये. इसके ऊपर भी कुछ रैपिंग वगैरह करवाई थी मैंने और थोड़ा बहुत करवाया था. तो आप देख सकते हो यहाँ पे डॉग्स ने पंजे मार के इसके भी सीट कवर ख़राब कर दिए हैं. हमारे यहाँ के डॉग्स कुछ ज़्यादा ही अल्टीमेट है, मतलब उनको तो भाई स्कूटी पे चढ़ के यही सब करना होता है. बट कोई बात नहीं, अब हो गया जो हो गया. तो इसके ऊपर देखो रैपिंग हुई थी, ये भी एक बार गिर गई तो यहाँ से भी कुछ रैप फट गई. और देखो इसने कितना डैमेज बचाया, अगर ये पार्ट मैं देखूँ तो ये गिरता तो यहाँ पे पूरे पे स्क्रैच आ जाते. बट रैप ने क्या किया, रैप ने मेरा ये पार्ट बचा लिया काफ़ी हद तक, जितना भी रैप से बच सकता था. तो ये पार्ट मेरा रैप ने बचा लिया क्योंकि जितना भी बच सकता था उस रैप से बच गया ये. और यहाँ से तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लुक आती थी इसकी जब मैंने इसको करवाया था. अभी आप देख सकते हो किस तरीके की लुक है इसकी, अगर मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखाऊँ. तो अभी मैंने इसके ऊपर कुछ रैप चेंज करानी है,
सीट कवर शायद हो सकता है मैं इसके सीट कवर पे भी कुछ करवा दूँ चेंज अगर मेरे को लगेगा, और मीटर में भी थोड़ी चीज़ें चेंज होने वाली है, ऐसे ये पार्ट टूटा हुआ है, और मिरर्स तो ठीक है ऑलमोस्ट। यहाँ पे बार एंड पे मेरे को कुछ लगाना है, और ये ब्लैक कराना है ये पार्ट, क्योंकि मेरे को ब्लैक कलर का ही ये बैक सपोर्ट अच्छा लगता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह किस तरीके के हैं, तो इसमें हैजार्ड वगैरह के स्विच वगैरह भी मेरे को करना है। मैंने इसमें एक स्विच लगाया था, लाइट्स लगाई थी यहाँ पे, अगर आप देख सकते हो मैं आपको लाइट्स दिखाता हूँ कि ये वाली लाइट्स लगी हुई थी इसमें, तो ये वाली लाइट्स इसकी बंद हो चुकी है तो मैं उसको हैजार्ड से कनेक्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली लाइट थी इसके अंदर कुछ, तो अभी मैं आपको जला करके शायद कुछ आपको दिख पाएगा, तो ये इस तरीके से जलती है इंडिकेटर के, और मैंने इसको इंडिकेटर से कनेक्ट नहीं किया था तो ये जलती है वाइट वाइट। आपको ज़्यादा पता नहीं लग पा रही होगी इस टाइम क्योंकि दिन का टाइम है, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके की कुछ दोनों पे मॉडिफिकेशंस हुई थी, और दोनों ही नेक्स्ट लेवल अलग ही लुक देती है। एक्सेस और आपने जितनी भी जुपिटर्स अभी तक देखी होगी ना, उन दोनों से अलग लुक आती है इसकी, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब चेंज होने वाली है। शायद इसके अंदर मैं अभी LED बल्ब भी कुछ यूज़ करूँ, क्योंकि इसमें मैंने लगाया हुआ है एक HJG का LED बल्ब, और LED इसमें दोनों आइज़ भी लगी हुई है इसकी, मतलब छोटे वाले जो बल्ब आते हैं तो वो लगा रखे हैं मैंने LED। तो ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, बट ये छोटे छोटे काम जो हैं यही काफ़ी कुछ मतलब आने वाले हैं। और इस बार जो रैप कराएंगे ना, तो कुछ ज़्यादा अलग कराने के चाह रहा हूँ मैं, इसके ऊपर तो फुल रैप कराने का चाह रहा हूँ, और इस पर कुछ सोच रहा हूँ अभी कि किस तरीके की रैप करवाई जाए, क्योंकि जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि इसी तरीके का कुछ अलग ही चीज़ मेरे को चाहिए, जैसे मैंने अभी तक वीडियो में अपनी दिखाई है, हर बार कुछ अलग, हर बार कुछ नया। और ये डीप क्रिएशन भी ठीक कराना है, ये सब पूरा चेंज होने वाला है, तो बने रहे चैनल पे, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक और कॉमेंट करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है हमारा। सो गाइज, ये वीडियो जो थी इसी चीज़ के ऊपर थी कि मैं आपको मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि किस तरीके से इसके ऊपर क्या काम होने वाला है, आगे चैनल पे आपको क्या चीज़ें दिखने वाली है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपको आगे वीडियोस देखनी है, और आपका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था उसके लिए थैंक यू, कि मेरे 1.5K हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी वीडियोज़ पे, 40,000 व्यूज़ मेरी वीडियोज़ पे आ चुके हैं, एक वीडियो पे ऐसी भी है, और कुछ वीडियोज़ ऐसी है जो अब जा करके चलने लगी है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं जो अपना मतलब टाइम दे रहा हूँ आपको, या फिर इस चैनल पर अपना टाइम दे पा रहा हूँ ना, तो वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा ना, तो मैं आगे ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर के आऊँगा, अभी तो आपको ये दिख रहे हैं, आगे इससे भी अच्छे और व्हीकल्स आने वाले हैं, कि मेरे को जैसे एक बाइक परचेस करनी है, आपको मैं मोटो व्लॉगिंग भी इस चैनल पर दिखाने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, और इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपको अभी तक पता लग ही चुका है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका और मेरा जो इंटरेक्शन होता है ना, वो कमेंट के थ्रू होता है, आप मुझे बताओगे कि आप क्या चीज़ें देखना चाह रहे हो, अगर मैं इन दोनों के ऊपर कुछ करना चाह रहा हूँ ना, तो वो चीज़ आपको मुझे सजेस्ट करनी है। तो अभी मैं कुछ रैप चेंज करने वाला हूँ, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा करके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक आपको रैप सजेस्ट करूँगा, कि आप सेलेक्ट करना कि आपको कौन सी रैप अच्छी लग रही है दोनों में से, और जौन सी रैप आप बोलोगे, सबसे पहले मैं एक्सेस के ऊपर काम स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसका काम सबसे कम होने वाला है, इस पर काम काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बाद ये जल्दी फ्री हो जाएगी, देन हम आ जाएंगे अपनी जुपिटर पे, और जुपिटर पे होने वाली है काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशंस। इस बार मेरे प्लान्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, हो सकता है मैं कुछ नई नई चीज़ें अपग्रेड करने वाला हूँ, और एक्सेस में मैं सोच रहा हूँ नए वाले इंडिकेटर्स लगाऊँ जो नई एक्सेस में आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ मेरी पसंद आती है और आप देखना चाहते हैं ना आगे, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपका सपोर्ट मेरे लिए होना चाहिए। आपका सपोर्ट रहेगा ना, तो मैं काफ़ी आगे तक जा सकता हूँ आप सबके साथ, क्योंकि आप और मैं एक YouTube फैमिली है, कि आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो ना, तो हम एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। आप मेरी वीडियोस देख करके शेयर करके सपोर्ट करोगे ना, तभी मैं आगे तक जा पाऊँगा, और आपको भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ और कंटेंट लेकर के आ पाऊँगा। तो थैंक यू, इस पॉइंट तक वीडियो अगर आपने देख लिया ना, तो वीडियो को लाइक करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दीजिएगा, और इसे करते वीडियो को कमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।